काले दीदी ने घर बदल दिया। अरे घर ही नहीं बदला, सारी दुनिया बदलती दीदी ने। दो ही दिन में उन्होंने शादी कर ली। अरे दीदी ने शादी कर ली और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। अच्छा ये बताओ दीदा, शादी किसकी की है? और मेहता जस साहब है ना, उनके लड़के से। मेहता याद आया, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया? दस मंग नहीं, पर कल क्या हो गया? मैं अभी जाती हूँ दीदी से। नहीं 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 नहीं, दीदी के साथ नहीं चला था, पहले हमारे साथ चले। घर आने की खुशी में हमें पार्टी रखनी है।
बाबूलाल, अब बाबूलाल क्या अभी तक छोटा है? तुमको तो मालूम है हवलदार, अपन 11 बजे सो गए उठा, फिर 10 बजे क्यों चिल्ला रहे हो? आज कर दे, चलो आज तुम्हारा फैसला भी है। आज मेरा फैसला इतनी जल्दी? देखो हवलदार, अगर मैं छूट गया ना तो बेघर हो जाऊंगा। तो क्या यह घर तुम्हारा है? नहीं है तो सरकारी, लेकिन क्या खाने पीने का आराम? कुछ नहीं, चला दे। बाबूलाल श्यामलाल चूड़ी वाला हाजिर हो। बोलो, भगवान को हाजिर ना हाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। भगवान को हाजिर ना हाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। तुम्हारा नाम? बाबूलाल श्यामलाल चूड़ीवाला बीए। उम्र? उम्र 34 साल। धंधा? चूड़ी पहनाने का। क्या मुजरिम बीए होकर चूड़ियों की फेरी का धंधा करता है? सच तो यह हुजूर के चूड़ी पहनाने का ये जो धंधा है अपना खानदानी पैसा है। माँ बाप की ये दिली हसरत थी कि लड़की को खूब पढ़ाया लिखाया जाए ताकि गुस्सा की माँ को आंखी की जैसी कोई कुर्सी मिले, लेकिन तकदीर का कुछ ऐसा चक्कर चला हुजूर कि कुर्सी तो नहीं मिली, कटरा मिल गया। मुस्लिम बाबूलाल पर जो शांताबाई नामी युवा को भगाने जाने का इल्जाम लगाया गया था, पुलिस को पूरी जांच के बाद ये मालूम हुआ है कि मुस्लिम बिल्कुल बेकसूर है। ठीक है, मैं बाबूलाल को बाइज्जत रहा करने का हुक्म देता। थैंक यू। अब कैसे कहा जाएगी? अरे रामभल, ओ रामभल, अरे देख देख फोन बंद कर रहा है यहाँ पर। तो मैं भी तुम करता कौन तंग कर रहा है? यहाँ बात करने किसी को फुर्सत नहीं है। सुनो रामधन। कौन हुजूर? मालिक। जरा बहुरानी को दिल बुला लो। लेकिन हुजूर आप ही घर पढ़ा लिए ना। रामधन, 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 रंजना, जल्दी कहिए और पीछा छोड़िए। कम ऑन, हरी अप, हरी अप। हेलो, कौन? सुरेश। क्या बात है सुरेश, आज कोई फोन जल्दी नहीं उठाता। कौन? पिताजी। माफ कीजिएगा पिताजी, सुबह से इतने टेलीफोन आ चुके हैं कि आपने बिल्कुल पढ़ ही नहीं सका पिताजी। लेकिन तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए? जी पिताजी, गया तो था लेकिन आज कॉलेज बंद हो गया। कॉलेज बंद है? क्यों, क्या बात है, आज कॉलेज क्यों बंद है? जी पिताजी, वो हमारे प्रिंसिपल साहब है ना, उनकी नानी मर गई और मरते ही बंद कर गया बेचारी का। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी औरत थी। हाँ सुरेश, सुरेश, रंजना। सुना बेटा, आज मैं अदालत के काम से जल्द फारिग हो गया हूँ, इसलिए तुम इस वक्त वो तमाम जेवरात लेकर चली आओ जो तुम्हें पसंद नहीं है, हम दोनों साथ जाकर के उसे बदलवा लें। पिताजी, लेकिन पिताजी मैं आपका हुक्म कभी नहीं टालती, लेकिन आज मुझे अपने रसोई में बीमार पड़ा है, इसलिए मुझे उनके लिए बेटे का चाय नाश्ता कॉलेज भेजना है। हाँ पिताजी, लेकिन वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बात पिताजी, मुझे 4 बजे आते हैं कॉलेज से। ये तुम्हें क्या गजब कर रखा है? मैंने कुछ और कहा था, तू कुछ और कह रही है। मुझे क्या मालूम था तुम्हें क्या कह रखा है। तुम पिताजी से ये क्यों कहा कि आपने कॉलेज जाना था? इसलिए कि वो मुझे कॉलेज में बुला रहे थे। लेकिन मैंने तो कहा था कि आप प्रिंसिपल की नानी मर गई और इसलिए कॉलेज बंद है और आज मैं घर में बैठा हूँ। अब
क्या होगा? पिताजी का कहते नहीं। सोचना क्या है, अगर वो दस आ गए सब समझ गए होंगे। ये सत्तों की जोड़ी एक पल घर के लिए रिश्तेदार नहीं रहना। रंजना, मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मानेगी? बोलो जान से। आज शादी से दो दिन हो गए, लेकिन तेरे प्यारे मुखड़े से एक बार ही मैंने अपना नाम नहीं सुना। क्या तुम सुरेश नाम पसंद नहीं? जब कहो तो नाम बदल दे। नाम बदलने से समय तो नहीं बदलता। हिंदुस्तानी औरत शादी के बाद पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती। देखिए, ये तो हिंदुस्तानी औरत के प्यार की एक अनूठ होता है। तो तुम नाम लेकर नहीं पुकारेंगे? मेरा दिल खुश करने के लिए नहीं। रंजना, तुम मुझे तंग करना चाहती है ना? अच्छा छोटे सरकार, मालूम है दिया है। कहीं मेरे बदल की बहन हमसा की। मैं तो रोज फूलों की माला चढ़ाता हूँ। तो क्या वो मर गई बेचारी? मर जाती तो सब रह जाता। क्या हुआ उसे? उसे कोई बदमाश उठा ले गया। तो क्या अभी तक उसका पता नहीं चला? बहुत कोशिश करने तक इतना ही पता चला कि उसे कोई डांस पार्टी उठा ले गई। भगवान जाने उस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। चाहे मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं किसी के अनाज में जाने के लिए नहीं जाऊंगी। तो तू जिंदा भी नहीं रहेगी। तू नहीं जानती तुझे इस काबिल बनाने के लिए हमें क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी। तुझे लहरा सिंह के हाँ मित्र पर जाना ही पड़ेगा। लहरा सिंह हो या लक्षा सिंह हो, मैं किसी के अनाज के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी बात को ले जाओ तो नहीं जाएगी। जाएगी कैसे? मैं जी कर देखता हूँ कैसे नहीं जाती है। जाएगी कि नहीं जाएगी? खड्डा दी लातों के भूत बातों को नहीं मानते। मर जाए चूड़िया मैं लाया मेरा नी रंग कार ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया मैं लाया मेरा नी रंग कार ले लो चूड़िया नीली नीली काली काली पीली पीली गोरी गोरी भांगों का सिंगार ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया मैं लाया मेरा नी रंग कार ले लो चूड़िया चूड़ी चूड़ी वाला भाभीया मैं नंदिया पति जी हो या खाला भाभीया मैं नंदिया पति जी हो या खाला सबकी पसंद लेके आया चूड़ी वाला हाथ की शोभा दिल की ठंडक नैनों का कुमार हाथ की शोभा दिल की ठंडक नैनों का कुमार ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया मैं लाया मेरा भी रंगदार ले लो चूड़िया चूड़ी चूड़िया कोई हो पवारी या कोई पिया की हो प्यारी कोई हो पवारी या कोई पिया की हो प्यारी जिसने भी पहनी मेरी चूड़ी न उतारी कोट पतंगा करे न बंगा अजमा लो एक बार हाँ कोट पतंगा करे न बंगा अजमा लो एक बार ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया मैं लाया मेरा ले रंगदार ले लो चूड़िया चूड़ी चूड़ी वाला Thank you.
शौक है अमीर का गरीब का ये गहना, शौक है अमीर का गरीब का ये गहना। बोलो दोनों सच है या झूठ मेरा कहना, कल नहीं तो कल दे देना दे दूंगा उधार, आज नहीं तो कल दे देना दे दूंगा उधार। ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया मनाया मेरा ले रंगदार, ले लो चूड़िया मेरी मेरी काली काली पिन पिन गरी गरी बाहों का सिंगार, ले लो चूड़िया ले लो चूड़िया मनाया मेरा ले रंगदार, ले लो चूड़िया। जो चूड़ी हाथ में आ जाए वो एक आना जोड़ी फूट फूट त्रिपन में ये पहना। ओके मेरी सूरत क्या देख रही है? आपकी सूरत नहीं, मैं अपनी सूरत देख रहा था लेकिन आपकी सूरत के थ्रू। क्या मतलब? मतलब वो बहुत सी बातें सिर्फ कह देने की होती है, मतलब समझ जाने का होता है, समझाने का नहीं। समझ गई ना? खास भी नहीं समझी। अच्छा कितने पैसे? पैसे एक एग्रीमेंट करते हैं इस टाइप का। वो ये कि मैं तुम्हें साल भर तक नई नई चूड़ियाँ पहनाता रहूंगा, तुम इकट्ठा एक दिन सब दे डालना। अच्छा चूड़ी वाले ऐसा करो, हर आठ दिन के बाद आकर तुम मुझे नई नई चूड़ियाँ पहना जाना। आठ दिन के बाद आकर? क्यों? मेरा तो जी चाहता है कि हर आठ मिनट के बाद तुमको चूड़ियाँ पहना कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसा। हंसा हंसा हंसा। ये कौन गधा है? ये बहुत खतरनाक आदमी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम मुझे जरूर मिलना। हाँ बाय बाय। क्या बातें कर रहे हैं चूड़ी वाले? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, मैं कहता हूँ खबरदार के बगैर नहीं जाती घर से बाहर, कदम रखना। तो लेकिन आप लोग मुझे इस तरह कब तक कैद रखेंगे? घर नहीं आती, माँ बाप के घर को कैसे लगेती है? माँ बाप? किसके माँ बाप? तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। दबान चलाती है दृष्टान की। अजीब तुम आदमी हो या जानवर, जब देखो बेचारी बच्ची पर हाथ उठा कर रहते हो। मैं कहता हूँ गुलाब सुपड़ा वरना तेरा गला घोट दूंगा। क्या कहा? मेरा गला घोट दोगे? औरत से हाथ उठा तो शर्म नहीं आती? मूछे मुड़ा लो और चूड़ियाँ पहन लो, फ्री दे दूंगा फ्री। हर नाथ की है एक। क्या साइज है आपके हाथ का? हाथ तो तुझे बाद में दिखाता हूँ, जूते का नंबर 9 है। निकालू? निकले यहाँ से वरना चूड़ी के साथ सर भी तोड़ दूंगा तेरा। अबे जा, बहुत देखे तेरी तरह सर तोड़ने वाले। चूड़ियाँ पहनाता हूँ पहनता नहीं हूँ, समझे? चुप करता नहीं ढेर कर दूँ तुझे। चुप के बच्चे तो निकलता। अबे बचपने में हम खेला करते थे इससे। तुम्हें हम मियां बीवी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? आप लोग मियां बीवी नहीं तो और क्या? तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप लोगों को रोका, आप लोग वापस शुरू हो जाएंगे। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? मालूम होता है बेटी बाप से ज्यादा समझता है। बच्चे निकलता नहीं हो, गर्मी खाने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहता हूँ निकल जाओ दोबारा। मैं खुद निकल रहा हूँ, दोबारा मन रखते ना। ओके ओके मेरी पैसे। अरे भाई मियाँ जी कहते हो और ऊपर से पैसे भी देते हो, ये नहीं हो सकता।
लो तुम पान खाओ और मौज करो। बांगड़ी बंगड़ी बाबूला मियाँ जी रात को चौपाटी पे सोने के लिए क्यों लिया? अरे वो ना आता कैसे, मैं तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा, वहाँ कैसे पहुँचा तेरे पास? क्यों रात को ज्यादा शराब पी गए थे क्या? अरे कौन ससुराल शराब पीता है यार, कल मैं बिल्कुल कड़का था, भूख के मारे रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। तो आपने खाना किस खुशी में नहीं खाया? अरे भाई कल जितने आए ना ससुरे पान खाने वाले, मियाँ जी कहते रहे और मैं मुफ्त पान खिलाता और मैं सुफड़ा करता अपना डाउन डाउन। इसका मतलब ये है कि इस तरह लोग आते रहेंगे, मियाँ जी कहते रहेंगे तुम फिर पान खिलाते रहो, फिर खाओगे क्या? मुझे चौपाटी पर अकेले सोना पड़ेगा। देखो बाबूलाल चाहे तुम लाइफ भर अकेले चौपाटी पर सोते रहो, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरे खानदान के मामले में मुझे ना टोकना। मुझे जो मियाँ जी कहेगा मैं उसे मुफ्त पान खिलाऊंगा, तुम्हारी जान की कसम। बस यहाँ बस आगे बात। अच्छी बात है, लाल पान अपने को क्या है? लाल पान तुझे मैंने कितनी दफा कहा कि तू मुझे लाल पान ना कहा कर। देख बाबूलाल अगर तुमने मुझे लाल पान कहा ना तो तेरी मेरी बरसों की दोस्ती बस फिनिश हो जाएगी। अच्छी बात है, अब नहीं कहूंगा लाल पान जी। बस मियाँ जी सकते हो जाओ, बस तूने तो आज मियाँ जी ऐसे कहा जैसे मुझे छुलने की माँ कहा करती थी, तेरी जान की कसम। ये छुलने की माँ कौन है? अरे बस चुप कर जा, मेरी घरवाली छुलने की माँ। तो आज पान छुलने की अम्मा की हाथ का गिरा तुम्हारे भी खाते हैं। तुम मुझे ही समझ में अच्छी, मुझे ही समझ में मेरी स्वेटी छुलने भाई तू ना कथा बड़ा बोले और तेरे छक्के हो जाऊँ, तेरे कुमान हो जाऊँ। वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि शादी करने कितनी जल्दी क्या थी, मेरे आने का इंतजार तक नहीं किया। जाओ मैं तुमसे झगड़ा करूंगी। अच्छा अच्छा झगड़ा फिर करना, पहले जरा इनसे मिलो, ये मेरे ससुर जी। नमस्ते। दीदी जीजा जी से तुम मिलवाओ, उनसे भी मिलवा दी। अच्छा शोभा तुम्हारा सामान कहाँ है? वो मेरी सहेली रीजा है ना, मैं उसके यहाँ ठहरी हुई हूँ। देखो भाई ये हमारा अपमान है, इस घर के होते हुए तुम रीटा क्यों नहीं ठहरी? दीदी रीटा के फादर मदर गांव गए हुए हैं, वो अकेली रहती हुई बहती है, इसलिए मैं वहाँ ठहर गई हूँ। और दीदी रीटा ने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दिलाने का वादा किया है। अब सर्विस वर्विस का ख्याल छोड़ दो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार था, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी जल्द से जल्द कर दूँ। शादी? देखो दीदी मैं उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद रहना चाहती हूँ, शादी करके घर में कैद हो जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक मैरिज, मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी बेटी। बेटे ये इस तरह नहीं मानेगी, आईने की जबान नहीं होती मगर वो बोलता जरूर है। जब ये तुम्हारा खुशहाल जीवन देख लेंगी तो खुद ब खुद अपना विचार बदल देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। आ शोभा मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। जी जा जी जी हाँ हाँ आओ तो सही। ये मेरा कमरा है, बहुत अच्छा सजाया है दीदी, बहुत अच्छा। रंजना रंजो वो देखो तुम्हारी जीजा जी मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आई। अच्छा दीदी मुझे इजाजत दीजिए, रीटा के फादर मदर आ जाने के बाद मैं खुद यहाँ आ जाऊंगी, जरूर आओगी? जैसे मत जय राम जी की। चूल्हे वाले आप मुझे भी चूल्हे पहनाने आए हो? भैया तुम्हारी साइज की चूड़ियों के लिए तो स्पेशल कारखाना खोलना पड़ेगा। अच्छा खैर सुनो, मैंने सुना है कि इधर कोई खोली गोली खा ली। खोली गोली तो खाली नहीं, लेकिन हाँ एक घोड़ा बांधने के लिए अस्तबल जरूर खाली। अस्तबल तो खा दिया ना, तो फिर तुम मुझे घोड़ा ही समझ लो। ये लो पैसे और रस्सी काट दो, अस्तबल में बांध दो मुझे। सुनो के बटना
कि आपके साथ आपकी घरवाली है या फिर गिरदारी की? घरवाली की क्या बात करते हो भैया, एक तो दो दो है, एक तो बच्चे के लिए माँ बाप के घर गई है और दूसरी मेरी सेवा के लिए इधर मौजूद है। अब फिर देखो ना, कुछ भी हो लेकिन आपके साथ आपकी घरवाली को देखूं तो कमरा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी 420 हो गई है। अरे झूठ बोल कर कमरा ले लेते और फिर भैया, लेकिन हमारा खानदान तो सच बोले नहीं, हिंदुस्तान तो क्या अमरीका जापान पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ भी हो लेकिन आपकी घरवाली तो आपके साथ देखनी चाहिए वरना कमरा बमरा नहीं मिलेगा। आपके भैया मालूम होता है तुमने औरत कभी देखी? नहीं देखी तो नहीं लेकिन हाँ देखो भाई। अच्छी बात है, तो फिर मैं अपनी घरवाली को लेकर आता हूँ, लेकिन तुम बहन समझ ना जयराम जी। जयराम जी की माँ। अरे भैया जब से दे दीजिए पैसे और पान दे दीजिए मियाँ जी। अरे मुन्ना मियाँ जी कैसे पैसे देते हो? अरे भाई हम खानदानी मियाँ जी हैं तो आलतू फालतू मियाँ जी नहीं। और हाँ सुनो, जो भी तुम्हारे दोस्त साहब मिली है उन्हें भी इधर ले आना, बस लोग मियाँ जी कहते रहे हम लोग पान खाते रहे। क्या सबको पान भी खिलाएंगे आप? अरे भाई हम तो सिर्फ पान खिलाते हैं, हमारे जो अब्बा जान थे ना समझ गए, हमारे वालिद साहब वो तो मियाँ जी कहने वालों पर जायदाद कुर्बान कर देते थे, बता देते थे। बाबूला तेरे कुर्बान हो जाए, तेरे मुंह से मियाँ जी बस ऐसे टपकता है जैसे बस थोड़ी फूलों की घड़ी लग जाती है। मियाँ जी आज बहुत मूड में हो मियाँ जी, तेरे कुर्बान हो जाऊ तेरी जान की कसम, आज जो आता है बस मियाँ जी कैसे पुकारता है और मैं सुसर में दही हुए चला जाता हूँ। अच्छा न पढ़ हो न पैसे सब सुधरा था। अच्छा और हाँ ये कपड़े कैसे लीजिए मेरे लिए? तुमने मुझे आखिर क्या समझ रखा मियाँ जी? शक्कर हो जाओ कुर्बान हो जाओ तेरे, अब तुमने मियाँ जी कैसे मुझे दम कर दिया? हुक्म कर बस। बात ये है मियाँ जी कि खोली की जरूरत है। अच्छा। और भैया कहता है कि जब तक घरवाली नहीं होगी खोली नहीं मिलेगी। घरवाली कैसे? घरवाली बस ये सामान रख लूंगा, ये गले का हार, ये घगरा, ये चेरी और आपकी मीठी बोली। मगर मैं कैसे? मियाँ जी कहा अरे मैं तेरे हुक्म का बदला हूँ। अरे मैं तेरी बीवी जान तो क्या तेरी अम्मा जान भी बदला होती चल। तो होने के बाद मेरा अब्बा भी खुशी जानू चल। जयराम जी की भैया, जयराम जी की, ये रही तुम्हारी बहन। बहन आप दूसरों की तरह 420 मालूम नहीं होते हैं, जेंटलमैन हो। पर्दा क्यों कर? अब बात ये है भैया कि नई नई शादी हुई है, पुरानी तो माँ बाप के घर है ना। अच्छा आइए लो पैसे और रसीद काट दो। लेकिन हाँ ये पैसे तो मालिक को मिलेंगे, उनकी क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये तो कहना किसी को पगड़ी पगड़ी पगड़ी, मगर तुम तो टोपी पहनते हो ना, पहनने की बात नहीं है। बाबा बाबा पगड़ी का नाम मतलब है वरना तुम्हारे साथ में भी अंदर हो जाऊंगा। मैंने लेकिन कुछ मिठाई विठाई मुँह तो मीठा करो। ऐसी बात करो ना, मैं मिठाई अब भी लेकर आया। मिठाई शांति निकेतन, ये तुम्हारे भाई की तरह है, घबराना नहीं शर्माना भी नहीं, मैं अब भी आया। अच्छा भैया जरा ध्यान रखना। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या पियोगी? दूध लस्सी? हाँ मैं तो कुछ भी नहीं पीऊंगी जी, बस आपकी तो बातों ने मेरे दिल की प्यास बुझा दी। कहिए हमें कमरा तो दे देंगे ना? अरे कमरा क्या घूमट वाली, तेरे लिए मेरी जान की हदी है। कितनी प्यारी बातें करते हो जी। क्या नाम है तुम्हारा? रामधन। तुम्हारा नाम क्या है? बस कुछ अपनी पसंद का रख लो ना। मैं रख लू जी? तो मैं मनमोहनी कह के पुकारूंगा, चलेगा? क्यों नहीं, भला तुम्हारी पसंद का नाम मुझे पसंद ना आए। बस आपने तो एक ही पल में मेरा मन छीन लिया, भगवान करे मेरा मुआ खत्म हो मिठाई लेके यहाँ वापस
देखो जी, अगर कहीं मेरा मुआ खत्म मिठाई लेके यहाँ आ गया ना, तो तुम्हारे सर पर बाजे और तबले बजाने लगेगा। अरे तबले क्या बजाने लगेगा, मेरे पास जिंदा उसका सर फाड़ दूंगा, सर फाड़ दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने झूठ बोलता है नहीं, मैंने तेरी सब बातें सुनूंगा, माफ नहीं करूंगा। बगैर पैसे के रसीद का था जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। लेकिन सुनो, किसी को कहना मत, तुम भी किसी से कहना मत कि बगैर पैसे के रसीद काटी। चलो 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 ना। अच्छा जगह नाथ है, मैं तुम्हारा खुली है क्या? नहीं खुली है, बोले खुली है। सुना है कि तुम्हें शेर शायरी का बहुत शौक है? नहीं तो? एक ना नहीं, मुझे कुछ नहीं। प्लीज एक। अच्छा सुनो प्लीज। एक छोटा सा फलक साथ एक छोटी सी जमीन, जिसमें इंसान हो चांद सितारे हो मकें, और फकत तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी ना हो, ऐसी छोटी सी दुनिया मुझे मिल जाएगी। बहुत अच्छे रंजना, बहुत अच्छा। मुद्रा इतना दे। नहीं, अब आप सुनो। नहीं, और एक सुनो। मुझे भी सुनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरे साथ साथ रहकर मेरी मानता नहीं है, ये दिल तुम्हें मुबारक मेरे काम का नहीं। अब तुम सुना दो। बस एक ही है, जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, तो रास्ते करने लगे तुम्हें आता ही क्या है? क्या नहीं? ओके रंजना, मैं आज एक पार्टी पे जा रहा हूँ, थोड़ा देर से लौटूंगा। पार्टी? तुम मेरे साथ ले चलेंगे? जरूर ले चलता रंजना, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, मुझे अकेला ही जाना चाहिए। क्या दो दिन की ब्याह हुई दुल्हन को तो इस तरह छोड़कर जाता है? मैं मजबूर हूँ रंजना, मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ, वरना कभी नहीं जाता। देखिए जल्दी आ जाइएगा, जब तक आप नहीं आएंगे मैं इंतजार करूंगी। सुनिए, ऐसा ना करना रंजना, तुम सो जाना। आज मेरा दिन खराब रहा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मुझे साथ ले चलिए। रंजना पढ़ी लिखी होकर नहीं करती है, मेरे ना जाने से मेरे दोस्त मेरे मुताबिक स्वास्थ्य होते हैं। कुछ नहीं समझे, लेकिन आपको नहीं जाने, मुझे नहीं जाने दी। तुम भी साफ रखो रंजना, मैं जल्द वापस आता हूँ। एक बात है, हद हो गई, आज बाबूलाल शोभा के गाने का कंपटीशन है और ये खामखा देर कर रहा है। Hello boys, okay, let's go. लटका लगा है लटका है साथ गले में अटका, अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती ये।
देखी क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे तारा तेरे तेरी लटका लगा है लटका है सांस गले में अटका अब और नचे ना झटका मेरी मोमबत्ती क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे तारा तेरे जब देखूं मैं तुझको मेरे दिल में शोला भर के तो जब जब देखूं मैं तुझको मेरे दिल में शोला भर के तू क्या जाने अब मुझे ना हो जाता के लड़के अरे हो जाता के लड़के तेरी एक नजर पे बारी मैंने गाँव की सरदारी क्या तुझसे जान है प्यारी मेरी मोमबत्ती तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे उसे काबुल और बुखारे मेरे तारा तेरे बन थोड़ा हमें होगा अमृत सर का थाना पर अमृत सर का थाना जब तू है तो क्या डर है तेरी जेल भी मेरा घर है तेरे कदमों में ये सर है मेरे तारा तेरे तेरी लटका लगा है लटका है सांस गले में फटका अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती आ जाऊंगा रेल पे बल्लो पेट के तांगा घोड़ा अरे आ जाऊंगा रेल पे बल्लो पेट के तांगा घोड़ा मेरे प्यार पना दे गाली मेरी जान मोतियों वाली मैं खुद हूँ तेरा कवाली मेरी मोमबत्ती है प्यारे तेरी में मारे मेरे बैठा दिल और बुखा दे तेरे तारा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तुम्हारा नाम मेरा नाम जो कुछ पूछना हो तो पूछो उससे ना पूछो बात करो अरे तू जा तो खड़ी है कोई गाड़ी में चल ठहरो तुम नहीं जा सकती मुझे ये मालूम करना है कि कौन है ये मेरी लड़की और कौन नहीं ये झूठ बोलती है लड़की नहीं तब तो मेरा शक कहीं निकला चलो मेरे साथ
आने का वक्त हो गया है। अगर वो दुनिया भर यहाँ देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। जाओ चले जाओ यहाँ से। ये कौन आया अभी रात के समय? क्या बात है? तुझे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम क्या करें? इस लाश को किसी अस्पताल या पुलिस स्टेशन पे ले जाओ। इस लाश के लिए पुलिस स्टेशन अस्पताल जो कुछ भी नहीं भरे। यार कैसे हो? किसकी लाश है ये? क्या बताऊं मुझे? ये लाश जल्दी बता दो क्यों किसी की नींद खराब करते हो? आप लोग इससे हुए कमरे देखेंगे तो जिंदगी भर नहीं सो सकेंगे। क्या बात है? सुरेश तेरे जाने का वक्त न था, मेरे जाने का वक्त था। तूने अपनी मौत से ये क्यों कह दिया कि तेरी जिंदगी के जगमगाते हुए दीपक को बुझाने की बजाय मेरी चिमचिमाती हुई शमा को बुझा डाले?
गिर गया पंछी अब तेरा बसेरा, गिर गया पंछी अब तेरा बसेरा। टूट गई वो डाली जिस पर तूने डाला डेरा, गिर गया पंछी अब तेरा बसेरा। आया वो तूफान बिखर के रह गया तिनका तिनका, लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदला है किस दिन का, ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे, ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे, अपना पिंजरा आप तोड़ दे। आई वो गम की रात न होगा जिसका कोई सवेरा, उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा। साथ छोड़ गया साथी तेरा, रह गई उसकी यादें, साथ छोड़ गया साथी तेरा, रह गई उसकी यादें। चुप हो जा, चुप हो जा, तेरी कान सुनेगा दर्द भरी फरियादें। हार सिंगार मिटा दे अपना, तेरी खुशियाँ हो गई सपना। हार सिंगार मिटा दे अपना, तेरी खुशियाँ हो गई सपना। छोटी सी इक जान को गम से तूफानों ने घेरा, गिर गया पंछी अब तेरा बसेरा। रातों की क्या बात करे, अब दिन भी हो गए काले। रातों की क्या बात करे, अब दिन भी हो गए काले। दूर तेरी परछाई तेजी हटेंगे दुनिया वाले, कोई न देखे टूटा तारा। दुखिया से सब करे किनारा, बरी हुआ उजाला, अब तो देगा साथ अंधेरा। गिर गया पंछी अब तेरा बसेरा, टूट गई वो डाली जिस पर तूने डाला डेरा, गिर गया पंछी अब तेरा बसेरा। मेरे ख्याल में साफ सो गए, सो रहे होंगे तो उठा देंगे। लाल पान, फिर लाल पान कहाँ?
बाबूलाल तू ने मेरी हत्या की जब करो आपसे नहीं अच्छा मिया जी जी से रमन जी से अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं क्या करती हूँ किससे मिलना तुम्हें मेरा नाम बेटी बेटी का ये मुझसे मिलने आई थी सच कहती है ये सवाल जरा तेरा है इसका जवाब तुम खुद दे दो मैं इनकी घरवाली हूँ क्यों भाई बाबूलाल के बच्चे ये मियाँ जी को बताया बगैर ही कांका भरा लिया कहेंगे भैया जी जाओ जाओ अपना काम करो ये मियाँ बीवी का मामला है इसमें तुम्हें कुछ मिलने में लाना वाला नहीं जाओ अपना काम करो मियाँ जी बुरा न मानो तो आप भी जरा काम करो इसलिए कि मैं जरा दो मिनट बात करना चाहता हूँ दो बात अरे मुंडा दो तो क्या तुम 2000 करो ना जाओ माफ करो ना इधर आओ इधर लाल पान है इधर भैया है इधर आओ इधर बैठ लाओ अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी घरवाली कैसे हो गई जिस दिन तुमने मुझे मार खाने से बचाया था उस दिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी 7 साल की गुड़िया को बचा लिया तो वो भी मेरी घरवाली हो जाएगी नहीं मेरे पिताजी मुझे किसी युवराज के हाथ बेच देना चाहते हैं मैं किसी राजमहल में दयाद्र होकर रहने के बजाय तुम्हारे कदमों में रहना पसंद करूंगी सवाल बड़ा टेढ़ा है अपने कदम की कोई गारंटी नहीं है कभी पुलिस स्टेशन में पड़ते हैं और कभी म्युनिसिपालिटी के फुटपाथ पर ये सब बहाने नहीं चलेंगे मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी अच्छी बात है पर तुम रहती तो वही हो ना कोई काम पड़ जाए तो नहीं उन बदमाशों ने फिर मकान बदल दिया है कहाँ पता बताओ लेकिन याद रहेंगे तुम झोपड़ी को क्या समझती हो रोहन बादाम पिलाता हो मगर ये उधर जाके बताने की नई तरकीब कौन सी है भाई चार कुत्ती सारी सारी के पास की दुकान में थे चार कमसान तुम्हें याद रखना तेरे दादी का दरबान मुझे वाला है पठान नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना चार कुत्ती सारी सारी के पास की दुकान में थे चार कमसान तुम्हें याद रखना तेरे गड्डी का दरबान मुझे वाला है पठान नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना बड़ा मिलने का और कोई रास्ता बता अच्छा तेरी कुर्बानी के हकीम से जान ये प्यार की है जान तुम्हें याद रखना तेरे गड्डी का दरबान मुझे वाला है पठान नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना प्यार कच्ची सनी सारी के पान की दुकान मेरे प्यार का मकान तुम्हें याद रखना बत्तियाँ बनाना जी बड़ बड़ के दर पे लगे हैं ताले अलीगढ़ के बत्तियाँ बनाना जी बड़ बड़ के दर पे लगे हैं ताले अलीगढ़ के पता नहीं
होगा नीला आसमान, दिल वालों की उड़ान, फिर देखेगा जहान, गोरी याद रखना। तेरे जैसी का दरबान, मुझे वाला है पठान, नहीं मिलना आसान, गोरी याद रखना। लोगी? अरे क्या? अरे भैया राम 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 राम। अरे तुझे थोड़ी सी भूल चा पी ली, तीन दिन तक बिस्तर ने मुझे नहीं छोड़ा और ना ही मैं बिस्तर को छोड़ सकी। अपने दीदी जी को देखा, सर का ताज उतर गया लेकिन सर के बाल नहीं गए। रामधन, पति के मर जाने के बाद औरत को सर के बाल मुड़वा देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अरे वो तो मुड़वाने के लिए तैयार थी। अच्छा? हाँ, लेकिन साहब ने मना कर दिया। अरे कि सर के बाल औरत की शोभा होती है, मैं हर चीज भी मुड़वाने दूंगा। दीदी जी को साहब की बात उसने मान ली। ठीक है, भगवान न करे अगर कहीं ला देना होगा तो सर के बाल तो क्या कि मेहता साहब की विधवा बहू ने आज तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? ये मेरे दिल की मर्जी। तुम बैठ जाओ बेटी। मुझे घर जाना है। गुनाह का भांडा फूटने लगा तो अब घर भागने लगी। बात बंद करो कि मैं अपनी बहू के बारे में इतनी झूठी कहानी तुम्हारे सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि बोलो क्या जानते हैं? यही कि जिस लड़की को बहू बनाकर आप अपने घर लाए थे वो आपकी बहू। थोड़ी देर ठहरो बेटी, घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाए। और क्या करूं बेटी, मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरी इज्जत का वो खजाना जिसे मैंने बरसों मेहनत करके जमा किया था, आज लुटेरों से भरी सभा में लूट कर मुझे कंगाल कर दिया। वो इज्जत फिर हासिल करने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा।
इसलिए मुझे मत जाने दे बेटी, मुझे मत जाने दे। पिताजी धीरे से काम लीजिए, मुझे मालूम न था कि पुरुष होकर भी आपका दिल इतना कमजोर है। पुरुष उसी वक्त तक पुरुष है जब तक उसके सिर पर इज्जत का ताज है। जिस तरह एक राजा अपना ताज छिन जाने के बाद रास्ते का भिखारी बन जाता है, उसी तरह इंसान इज्जत खोकर रात बाजारी कुत्ता बन जाता है, जिसे हर रास्ता चलने वाला धुसकाता है, पत्थर मारता है। लेकिन पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी खोई हुई इज्जत फिर वापस ला दूंगी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। कौन सा रास्ता? लोग हमें इसलिए बदनाम करते हैं कि हम इस घर में अकेले रहते हैं। तीसरे के आ जाने पर भोगने वाले को पहले जाके लिए खामोश हो जाएंगे। क्या मतलब? पिताजी, पिताजी आप दूसरी शादी कर लीजिए। रंजना, लोगों ने मुझे बदनाम जरूर किया, मेरी इज्जत जरूर लूटी, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं इंसान नहीं हूं। तुम मुझे इतना गिरा देना चाहती हो कि मैं इंसान कहलाने के भी काबिल न रहूं। घर में जवान बहू या बेटी होते हुए जो लोग दूसरी शादी करते हैं वो इंसान नहीं, हैवान। दूसरों की बात और है पिताजी, लेकिन यहां तक अपनी इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि दर्द और तकलीफ से तड़पते हुए मरीज को जहर देकर मार डालना चाहिए ताकि उसे शांति नसीब हो? मेरे इरादे को डगमगाने की कोशिश करना बेकार है। आज अगर मौत भी मुझसे मुंह मोड़कर जाना चाहे तो मैं बढ़कर उसका भी रास्ता रोक लूंगा। अच्छी बात है, आप अपनी मौत पर रोकिए और मैं अपनी मौत पर आवाज देती हूँ। आज इस घर के दरवाजे से एक भी दो दो लाशें निकलेगी। रंजना, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? दुनिया मुझे चैन से जीने तो नहीं देती, तुम मुझे चैन से मरने भी न दोगी? नहीं मरने दूंगी। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो आपको अपनी बेटी के पवित्र विधवापन की सौगंध है। मेरी बात मान जाइए, आप मेरे पिता हैं। मैं इस घर अपनी मां देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी उम्र भी तो देखो बेटी, एक पांव घर में दूसरा स्मशान में। और अगर मैं तुम्हारी खुशी रखने के लिए राजी भी हो जाऊं तो मुझसे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से अपनी मां को ढूंढ निकालूंगी। मुझे अफसोस है रंजना बहन कि इतनी समझदार होकर आप ये बात कह रही हैं। कहां आपका सुसा और कहां मेरी बेटी की बेटी? तो क्या हुआ महन भैया, इन मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ घरबार और तंदुरुस्ती देखते हैं। अगर आप अपनी राधा को सच में सुखी देखना चाहते हैं तो रिश्ता मंजूर कर लीजिए। रंजना बहन, तुम्हें ये सलाह देते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम अपनी तरह इस बिचारी को भी विधवा बनाना चाहती हो? मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। बस बस रंजना बहन, अब जबान को लगाम दो। मैं समझ गया कि तुम्हें सौदा करने आई हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बेच नहीं सकता। गंदा भी नहीं गाय गंदा शरीर के साथ यहां से चली जाओ तो बेहतर है। चली जाओ, चली जाओ। इतना रंगीन और बस चेहरा तो तुमने कभी नहीं देखा था मैंने तुम्हारा। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो है जिसे तुम छुपा रही हो। छुपाने जैसा रीका, जिस बात के सारे शहर में चर्चा हो रही है वो बात तो तुमने भी सुनी होगी। कौन सी बात शोभा? वही बहन रंजना और उनके ससुर के संबंध में। ओह हाँ हाँ, है तो बहुत बुरी बात, लेकिन मैं नहीं समझती कि इन दोनों में ऐसा कोई बुरा संबंध होगा। हो या ना हो, लेकिन जब चार आदमी किसी झूठी बात को बार बार कहते हैं तो उसे झुटलाने की किसी में हिम्मत नहीं होती, वो सच्ची समझी जाती है। और जब से मैंने ये बातें सुनी है ऐसा मालूम होता है कि कहीं जाकर डूब मरो। सब बातें सुनकर
दोनों रंगरी बहन का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए दीदी दूसरी शेर क्या नहीं कर देती। तुम तो पत्थर में जोक लगाने वाली बात कर रही हो रीता। ऐसा क्यों? वो मैं जाने ज्यादा बेटा समझेगी लेकिन दूसरी शादी का नाम तक सुना गवारा नहीं करेगी। एजुकेटेड और अल्ट्रा मॉडल होने के बावजूद उनकी नजरों से हमने मारे को संस्कार भरा हुआ है रीता। तो फिर क्या हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ। तुम दीदी के लिए क्या कर सकती हूँ कुछ समझ में नहीं आया। दीदी दीदी आ गए। दीदी आओ। दीदी तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो दीदी बोलो ना बोलो ना दीदी। अब तो ना से आंखों ने घर बना लिया है शोभा। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम सामने कोई आंसू पहुंचने वाला ना हो तो एक दिन के मौसम बन के रात दिन तड़पाते रहते हैं। अब मुझे तक देने की ताकत नहीं रही शोभा। आज आज मैं तुमसे आखिरी बार बन रहा हूँ। आखिरी बार? इस बेरहम समाज और दुनिया वालों के पानी से मैं घबराती हूँ। इस बदनाम और नामुराद जिंदगी से तुम मौत बता सकते हो तो तुमने हार मान ली थी। कोई आंसू न हो तो हार माननी ही पड़ती। नहीं दीदी नहीं। जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुत्ते के भोगने से कारवा नहीं रुकता। चांद पर धूल फेंकने से क्या मना नहीं होता दीदी। नहीं दीदी हिम्मत से काम लो। तुम्हारी यह कमजोरी दुश्मनी की कामयाबी होगी। तुम इस ख्याल को जैसे निकाल दो अपने इरादे बदल दो दीदी। नहीं शोभा दीदी अपने अपने इरादे को नहीं बदल सकते। अगर तुम अपना इरादा बदल नहीं सकती तो आज मैं अपना इरादा बदलती हूँ। क्या मतलब? यही कि जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है। कौन सी चीज? दीदी तुम अपने घर साथ लाना चाहती हो ना? तुम अपने ससुर को तुम्हारे लाना चाहती हो ना? तो समझ लो आज से मैं तुम्हारी सास हूँ। शोभा ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी तुम्हारा जीवन इतना सस्ता नहीं कि दुश्मनों के तानों की भेंट चढ़ जाए। तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत को कायम रखने के लिए तुम्हारे ससुर की बहन लेने के लिए तैयार हो। शोभा मेरी बहन ये क्या कर रही है दीदी? मुझे सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। जाओ दीदी शादी की तैयारियां करो। तैयार करो दीदी जल्दी करो। जाओ दीदी शुभ रंजना कहाँ है? उसे बुलाओ। ऐसे शुभ समय विधवा का सामने आना अपशुकन माना जाता है। कौन कहता है कि रंजना के सामने आने से अपशुकन होगा? वो तो एक पवित्र आत्मा है जिसने मेरा नया संसार बसाया। जाओ उसे ले आओ। मैं उसके दर्शन करके अपने नए संसार में कदम रखना चाहता हूँ। जाओ रंजना बहन साहब ने आपको बुलाया है। नहीं बहन मैं अपना पवित्र परछाई आज इन पर नहीं पढ़ने दूंगी। कहते नया संसार मुबारक हो। जाओ बहन। नहीं रंजना अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। आ जाओ। नहीं पिताजी मुझे क्षमा कीजिए मैं वहां नहीं आऊंगी। रंजना रंजना मालिक टेलीफोन। देखा बड़े लोगों की हर तरकीब बड़ी होती है। अपने पाप पर कितना बड़ा पर्दा डाल दिया। कुछ भी कहो बहन
रंजना है बहुत चालाक। छोटी बहन की शादी करके खुद पाप भी पड़ती रहेगी और दुनिया की नजरों में सती भी बनी रहेगी। चलो बहन चले। मौसी क्या बातें कर रही है? कुछ भी नहीं शोभा बहन, कुछ भी नहीं। तुम नहीं सुनो तो अच्छा है। नहीं मौसी, साफ साफ बताइए क्या बात है, क्या बताए? सुनकर रो देने के सिवा और कुछ भी न कर पाओगे। आपके जीवन कैसे बीते चुपचाप बिता दो। मौसी मैं तुम्हारी बातों का अच्छी तरह मतलब समझती हूँ, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ तुम कह रही हो वो कहाँ तक सच है? राम 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 राम, मैं झूठ थोड़ा ही कहती हूँ। मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोला। और फिर थोड़े ही दिन में तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी। और मैं अकेले थोड़ा ही जानती हूँ, इस बात को तो सारा मोहल्ला जानता है। अच्छा नहीं जाती हूँ। राम 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 राम। हेलो, आप कौन हैं? किसी लड़की की आवाज है, रंजना होगी, सुना दो से भी करी करी। मैंने कहा रंजना दीदी मुबारक हो, आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की अच्छी तरकीब निकाली। छोटी बहन के जीवन की कुर्बानी देकर बड़ी बहन ने बड़ा अनेक काम किया। बहन हो तो तुम जैसी हो। मैंने क्यों फोन उठा लिया? अपने हाथों से अपना कलेजा छन्नी कर लिया। लोग ठीक कहते हैं, इस उम्र में शादी करना बहुत बड़ा गुनाह है। जज होते हुए भी मेरे हाथों इंसाफ का खून हो गया। तो फिर आपकी शादी के लिए किसने मजबूर किया था? घर की इज्जत में, बदनामी के डर में। ये सब बहाने हैं। शोभा, ये तुम क्या कह गई? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मेरी गरज खुले शब्दों में कुछ कह भी तो नहीं सकती। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं शादी कभी ना करती। शोभा, मेरी तरफ देखो, दुश्मन अगर पत्थर भी मारे तो उतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के फूल मारने से होता है। जरा खाओ। मैं अदालत में हर रोज इस पवित्र गीता को लोगों के हाथ में देकर सौगन खिलाता हूं। आज एक सच्चे हिंदू की तरह मैं इस पवित्र गीता की सौगन खाकर कहता हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान न तो कोई पर्दा है और न कभी होगा। मैं तुम्हारे लिए खुली हुई किताब हूं जिसका एक एक लफ्ज तुम जब चाहो अपनी आंखों से पढ़ सकती हो। अब सच्ची पीटने से क्या फायदा? अब तो किसने जो भी खेल दिखाए वो हंसते या रोते देखना ही पड़ेगा। अरे टाइप के आशिक हो भाई, वहां आज माशूक से मिलने का वायदा है और आप पड़े यहाँ आराम फरमा रहे हैं। मुन्ना सोते रहो, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे माशूक से मिलने के लिए माली बन के चला जाता हूं। बाबूलाल के बच्चे इस करने चला बेटा, अब मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे ये लहंगू तो बाबूलाल की चप्पल पहन बैठा है। है तो उसी टाइप की जगह, लेकिन कहीं उल्लू मैं भूल तो नहीं गया। तुम यहाँ कहाँ से टिकट पड़ी? वो कहाँ है? वो तो मद्रास के टिकट के लिए चीन में खड़ा है। उसने तो मुझे आपको लेने के लिए भेजा है दिल्ली करें। मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मगर आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको ट्राम या बस में छोड़ी, बल्कि मैं तो आपको बड़ी टैक्सी में ले जाऊंगा। जी हाँ,
और होटल में खाना खिलाऊंगा जी हाँ, और बोतल में लेमन पिलाऊंगा जी हाँ, और सुनिए चौपाटी की सैर भी चलाऊंगा जी हाँ। इतना उमदा प्रोग्राम होने पर भी आप मेरे जैसे प्यारे और लवली आदमी के साथ नहीं चलती। देखो मैंने एक बार नहीं 10 बार कह दी थी तुमसे, मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अरे उसको मैं सोता रह गया, घर का टाइम हो गया है? ये मियाँ जी का बच्चा किधर गया? समझ गया वहीं गया होगा, अभी आके ठीक करता हूँ तेरे को। तो नाराज क्यों होती हो मेरी जान, अपनी पान की दुकान कर दूं तुम पर कुर्बान। सुनी हे भगवान, तूने मेरी सुन ली? देखिए यहाँ हम लोगों का मिलना कुछ ठीक नहीं है। तो फिर कौन सी जगह ठीक रहेगा? मैं बताऊँ, मेरे घर चलिए तुम मेरे साथ। कुर्बान हो जाओ मेरी कच्चे रानी, बहुत उमदा प्रोग्राम है जी हाँ। आया? अच्छा ये तो बताओ मिठाई में तुम्हें कौन सी मिठाई ज्यादा पसंद है? मिठाई? हाँ मिठाइयों में तो मुझे कद्दू का हलवा बहुत पसंद है। कद्दू का हलवा जी? तब तो तुम बहुत नसीबदार हो। क्या हुआ जी? आज तो मैंने कद्दू का ही हलवा पकाया है। अच्छा जी? हाँ तब तो मुझे आज जी भर के खिला दो मेरी कस्तूरबानी। कद्दू का हलवा जी, चख लिया मोहब्बत का मजा। अरे ये कच्चा है, अरे तुम लोग नहीं जानते मैं हूँ खानदानी मियाँ जी पान वाला। मियाँ जी का कच्चा? देखो 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 हाथ चला की मत करो, माउथ से बात करो, माउथ से। क्या कर रहे हो? ये कुछ बहुत बड़ा बदमाश मालूम हो रहा है। पहले भी लाई बैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं, आओ दिलवालो खाओ दिलवालो नर्म टकड़ियां बेचूं। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं, अरे आओ दिलवालो खाओ दिलवालो नर्म टकड़ियां बेचूं। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं। लाला जी यो बाबू भी खूबू पे रह कर जीते, ये जीना भी क्या जीना, दम निकले खाते पीते, ओ दम निकले खाते पीते। लाला जी ओ बाबू जी क्यों भूखे रह कर जीते, ये जीना भी क्या जीना, दम निकले खाते पीते, ओए दम निकले खाते पीते। प्यास बुझालो गर्मी में सावन की बदलियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं, खाओ दिलवालो खाओ दिलवालो नर्म ककड़ियां बेचूं। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं। मुर्गों पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय,
खून किसी का क्यों पीना, पीले शरबत या जाए, अरे पीले शरबत या जाए। मुर्गों पर ना छुरी चला ना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना, पीले शरबत या जाए, अरे पीले शरबत या जाए। रोग मिटा और हेल्थ बना, गालों की सुर्खियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनों की पत्तियां बेचूं। आओ दिलवालो खाओ दिलवालो, नर्म चकड़ियां बेचो, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनों की पत्तियां बेचो। शीरी और फरहाद पिलो को हो ना सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, पर बोल ये ककड़ी ना खाई। शीरी और फरहाद के लोगों हो ना सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, पर भाई ये ककड़ी ना खाई। अरे तुम्हारे ले जाओ शादी की पर्चियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पत्तियां बेचूं। अरे आओ दिलवालो खाओ दिलवालो, नर्म ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पत्तियां बेचूं। रंजना, रंजना बेटी, जरा रामधन से कह दो मेरा सर दबा दे, न जाने क्यों दुख रहा है। मैं खुद ही दबा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो, रामधन से ही कह दो। मेरी चिंता मत करो बेटी। पत्नी के होते हुए विधवा बहू से सर दबवाया जा रहा है, क्या बताऊं शोभा बहन। एक दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि साहब रंजना को झूले पर से अपनी गोद में उठा कर ले गए। चुप रहो मौसी, मेरे जख्म पर नमक मत छिड़को। अरे मैं तो चुप ही रहना चाहती हूँ, लेकिन शोभा बहन तुम्हारा घर चलता है और मेरा दिल। अब बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। पिताजी, आपकी सेवा करने से जो आनंद मेरी आत्मा को मिलता है उसे आप नहीं जानते। आप आराम कीजिए पिताजी। देखो तो किसका टेलीफोन है। देखिए पिताजी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अपने ही घर में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या। अपना घर अपना हो तब ना। आज मैं ये पूछने आई हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। क्या मतलब। क्या मैं इस घर में एक किराए की स्त्री बनकर आई हूँ। ऐसा कौन कहता है शोभा। आपका बर्ताव अब तक तो दुनिया की जबान से सुनती थी, मगर आज अपनी आंखों से भी देख लिया। ऐसा तुमने क्या देख लिया शोभा। मैं मर गई थी, आपने मुझसे सर दबाने के लिए क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों नहीं बुला लिया। मैं जानता हूँ कि पति की सेवा करना हर स्त्री का फर्ज है, लेकिन मैं इस काम के लिए तुम्हें भी तो तकलीफ नहीं देना चाहता था। रामधन को बुलाने के लिए कहा तो रंजना ने खुद सर लगाना शुरू कर दिया, और मैंने उसकी खुशी को टालना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक ही खुशी के लिए आप दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप जो बर्ताव मुझसे कर रहे हैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या दुनिया की कोई औरत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आपको खुले शब्द में इकरार करना पड़ेगा कि आप झूठे हैं, आपका दिया हुआ वचन झूठा है, गीता की खाई हुई सौगंध भी झूठी है। बस करो शोभा, मैं आगे एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं कर सकता। दिल के जख्म भरने के लिए जो मरहम खरीदा था वो भी आज नमक बनकर रह गया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। किस्मत तो मेरी फूट गई है, मैंने दीदी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मगर क्या खबर थी कि जीवन भर खून के आंसू पीने पड़ेंगे। शोभा,
तुम्हारे इस घर में दुल्हन बनकर आने के बाद हमने समझा था इस घर से गम की परछाई दूर चली जाएगी। हमारे सपनों को मिट्टी बना लिया शोभा। अगर तुम कहोगे तो मैं जिंदगी पर तुम्हारे कमरे में पाँव नहीं रखूंगी, मगर लोगों के बैठ करने में ना हो। इन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं शोभा। तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा सकती हो कि जो कुछ लोग कहते हैं वो सब झूठ है। कहो दीदी, कहो दीदी, वो सब झूठ है दीदी। लाख बार कह सकती हूँ मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ बहन, मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है शोभा, ये सब झूठ है। विश्वास कर शोभा। रामधन, हेलो रामधन, तुम कौन हो? मैं यहाँ। अच्छा अच्छा, बाबूलाल के घर वाली हो? राधा बहन, कृष्णा बहन, आओ तुम्हें बाबूलाल की घर वाली से मिलाऊं। ये है बाबूलाल की घर वाली और मुझे कहती है, सब लोग कहते हैं मोती की मौसी। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? बच्चा बच्चा? हाँ हाँ, मेरे माँ बाप के घर बच्चे के लिए गई थी ना। मामा के घर? ओह बच्चा, क्या बताऊँ मोती की मामी, बच्चा पैदा भी हुआ और मर भी गया। राम राम। क्या हुआ? भगवान ने बच्चा दिया भी और ले भी लिया। चलो अच्छा हुआ, माँ बाप के सर से बोझ हल्का हो गया। मगर ये किसके बच्चे की बात हो रही थी? तुम्हारे बच्चे की, अभी अभी तुम्हारे घर वाले। मेरे बच्चे की बात हो रही थी। मौसी, क्यों याद दिला दिया तुमने? वो बच्चा नहीं, अवतार था, अवतार। मौसी पहले ही महीने में हिंदी बोलने लग गया और दूसरे महीने में अंग्रेजी, तीसरे महीने में उर्दू। और मौसी चौथे महीने में तो चलने लगा और ऐसी स्पीड पकड़ी के बगैर स्पुटनिक के ऊपर पहुंच गया पांचवे महीने में। क्या नाम था हमारे बाबा का? बाबा का नाम था, बाबा का नाम जल्दी याद करो। बाबा का नाम था मौसी। अगर आज मेरा किंगको जिंदा होता तो मैं उसे गामा पहलवान से भी हरा देता। चलो अफसोस करने से क्या फायदा, भगवान ने किंग कॉन्ग ले लिया ना, अब कितना पिंग पॉन्ग दे देगा। पिंग पॉन्ग, पिंग पॉन्ग नाम चला। अच्छा मौसी आशीर्वाद दो। थैंक यू मौसी, निकल चलो। राम 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 राम। क्या तमाशा है? इसे कहते हैं बिन पैसे का तमाशा। अरे दो घड़ी मजा तो आ गया ना। मजा तो आ रहा है, अब नींद भी आ रही है। ठीक है तो आप कहाँ जा रही? मैं सोने के लिए बाहर। तुम खटिया पे सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। मगर बाहर क्यों? बाहर क्यों? हाँ हाँ, मुझे बाहर ही सोने की आदत है, मैं अंदर नहीं सोता हूँ कभी भी। लेकिन बाहर खटमल है, मच्छर है, तुम्हें नींद कैसे आएगी? खटमल और मच्छर जो है ना, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये बॉडी के ऊपर खेलते हैं, काटते नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जान दूंगी। ओफो, मैं कहता हूँ वो बेचारे मेरा रास्ता देख रहे होंगे। नहीं समझी, मच्छर और खटमल। कहाँ है खटमल और मच्छर? फोन तस्वीर शोभा बहन के कमरे में बहुत बड़ा सांप घुस जाए। हाँ आप सीधा तो मैं जाके मारू। नहीं भैया, ये तो शोभा बहन का सोने का कमरा है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? मैं खुद ही बात से सुनो, आप मत जाना, आपको तो मालूम है इस घर में बहन की बीमारी बुरी तरह से चलेगी, आप खाना खा शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं भैया, कुछ भी करके सांप निकाल देना। आप बताइए दीदी।
घुस गया है। अरे सांप घुस गया तो चोर घुस गया है। चोर अपनी घर में खाना घुस गया थे, पछताएगा खाली हाथ जाएगा। अरे तुम चलो तो सही सोने पर बर्तन भी ले जाएगा। सब टूटे फूटे हैं, एक सलामत नहीं ले जाएंगे। अरे तुम तो मेरे फूल चाहिए तो मैं मरी जाती हूँ, चलना मैं भी देख रही हूँ। अगर मेरी आंख में खुल जाती तो शायद मुझे टक लेता। शोभा, शोभा क्या बात है, किससे बातें कर रही हो? क्या बात है शोभा? चोरी पकड़ी गई। आधी रात के समय दीदी को ऐसी हालत में अपने कमरे में देखने के बाद भी आप कहेंगे कि मेरे वहम है। शोभा, वहम के भंवर में फंसा हुआ इंसान कभी किनारे पर नहीं पहुंच सकता। डूबने से पहले मेरा हाथ थाम लो और वहम के भंवर से बाहर निकल जाओ। मैं पूछती हूँ, आधी रात के वक्त पति पत्नी के सोने के कमरे में एक जवान विधवा के आने का मतलब क्या हो सकता है? विश्वास करो शोभा, जब बाबूलाल ने मुझे बताया कि तुम्हारे कमरे में सांप गया है तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकी। कहाँ है वो सांप? मैंने अपनी साड़ी में लपेट कर बाहर फेंक दिया है। आओ बहन, देखना साड़ी बाहर पड़ी है। देख लो बहन, कहाँ है साड़ी? शायद को उठा ले गया। क्यों जानबूझ कर झूठ बोल रही हो? क्यों साबुन कर मेरी जिंदगी को डस रही हो? अगर सांप आया था तो मुझे जगा क्यों नहीं लिया? ऐसी हालत में तुम्हें सांप नहीं देखना चाहिए, होने वाली औलाद की आंखें कमजोर हो जाती है। ये झूठ है, गर्भवती स्त्री की बच्चा है, अगर सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। इस घर में झूठ ही झूठ फैला हुआ है। इस झगड़े का भी फैसला हुआ जाता है। अगर बाबूलाल ये कह दे कि रंजना सच कहती है तो ठीक है, बुलाइए बाबूलाल को। रामधन जाओ, बाबूलाल को बुला कर ले आओ। घर से ताला लगा है सरकार, मैं देख कर आया हूँ। मगर वो अभी भी तो यहाँ था, जाओ जाकर अच्छी तरह देखो। मैं सच कहता हूँ, दीदी को नहीं है, मैं साफ है, मैं सारी है, मैं बाबूलाल है। अगर मेरी आंखों के सामने कुछ है तो सिर्फ गुनाह की दो तस्वीरें हैं। एक दूसरे को बाप जैसे पुकारने वाले पापियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? शोभा, मैं आज तक अपने गुस्से के तूफान को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर आज इस तूफान ने सब्र की हदों को तोड़ दिया है और मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गया हूँ कि इस घर से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाए। तो चले जाइए, बड़े शौक से चले जाइए। शोभा, पति के साथ तुम ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आते? शर्म मुझे आनी चाहिए क्या? बोले शर्म कहा? शोभा जी तो ये चाहता है कि जिस तरह तुमने मेरी गरीब विधवा बहू के मुंह पर तमाचा मारा है, मैं भी तुम्हारे मुंह पर इतना जोर का थप्पड़ मारूं कि तुम्हारे सारे दांत बाहर निकल आ जाए। मगर मैं ये नादानी नहीं कर सकता। लेकिन समझ में नहीं आता कि अब हम इस घर में साथ कैसे रह सकते। शोभा, अपने बचे हुए घर को बर्बाद न करो। मान जा बहन, मान जा।
भैया, आज के झगड़े ने तो कुछ रंग ही बदल दिया। मासी आज तो आनंद ही आनंद हो गया। आखिर वही हुआ ना, शोभा बहन को घर छोड़ना ही पड़ा। पड़ा घर छोड़ना पड़ा क्या बाबू? रंजना बहन सांप पकड़ने के बहाने से अपने ससुर के सोने के कमरे में चली गई और शोभा बहन ने ऊपर से पकड़ लिया। अरे रजा हो गया, तुम ही जैसे पड़ोसियों की लगाई हुई आग ने इस घर को जलाया है समझी, और तुमने शोभा बहन के कान में इतना जहर भर दिया था कि वो बेचारी बहरी हो गई। खैर कुछ पता नहीं, मैं उनको अभी वापस लेकर आता हूँ। अरे अरे सुनिए सुनिए, इस वक्त आपको कहाँ मिलेंगी, अभी मैं जाइए। न तू चोर का बहाना करती, न मैं यहाँ से जाता, न शोभा बहन को घर छोड़ना पड़ता, ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ। लेकिन बाबू भाई भला तुम दूसरे के घर के झगड़े में क्यों पड़े? कभी मुझको भाई कहा तो याद रख, जहाँ तुझ जैसे सांप बिच्छू मौजूद हो वहाँ मुझ जैसा सांप बिच्छू का जहर उतारने वाला भी होना चाहिए। चल मेरे साथ। राम 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 राम। ये बच्चे की रोने आवाज कैसे तू मालूम नहीं? तू देख शोभा दीदी, बालक का जन्म हुआ है। अच्छा हाँ। वाह भगवान वाह, ये सब घर के झगड़ों का नतीजा है। कहाँ जन्म होना चाहिए था और कहाँ हुआ, तू ही फिर मैं चक्की लेकर आता हूँ। लेकिन जरा जल्दी आना। घर के झगड़ों ने साहब को इतना सदमा पहुँचाया है कि जुबान बंद हो गई। कोई इलाज कीजिए ना डॉक्टर साहब। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इन्हें जी भर कर रुलाना चाहिए। तो आप ही को तरकीब बताइए, इससे इनके बचे हुए आंसू आगे में काम आ जाए। मैं क्या बता सकता हूँ रंजना बहन। पिताजी पिताजी, ये आपको क्या हो गया है, बोलिए ना पिताजी बोलिए। रंजना बहन, क्या आपको ऐसा कोई वक्त याद है जब साहब जी भर कर रोए हों? हाँ डॉक्टर साहब, एक दिन बहुत जी भर के रोए थे जब मैंने अपनी एक दुखी सहेली की कहानी सुनाई थी। आज मैं खुद वही कहानी बन रही हूँ। फिर देर न कीजिए, इन्हें वही कहानी सुना दीजिए। हम देने वाले देने को हम बेशुमार दे, सहने को साथ साथ मगर दिल हजार दे। हम देने वाले देने को हम बेशुमार दे, सहने को साथ साथ मगर दिल हजार दे। हम देने वाले देने को हम बेशुमार दे। I'm
बंद करो रंजना, बंद करो ये कहानी, वरना आंसुओं की बजाय आंखों से खून टपकने लगेगा। पिताजी, मुबारक हो साहब, मुबारक हो। क्या बात है बाबूलाल? शोभा बहन को भगवान ने चांद सा बेटा दिया है। बेटा? सुना पिताजी, इस अंधेरे घर का चिराग रोशन हो गया। मगर अफसोस, उस चिराग की रोशनी हमारे अंधेरे घर को रोशन नहीं कर सकेगी। बाबूलाल भी साथ होंगे, शोभा बहन का सारा दर्द हो जाएगा। जी हाँ, वहम के सांप का जहर बाबूलाल दो मिनट में उतार देगा। आप चलिए तो सही। चलिए पिताजी। नहीं रंजना, तुम नहीं समझती। पिताजी, मैं भी शोभा बहन के बेटे को देखूंगी। चलिए चलिए ना पिताजी, मेरे आगे चलिए। हंसा, हंसा जी, जरा बाबूलाल को तो बुला। बाबूलाल, रंजना बहन को बच्चे की पैदा होने की खुशखबरी भी मिलेगी। खुशखबरी? मेरे मना करने पर भी वो वहाँ क्यों गए? लेकिन बच्चे के पैदा होने की खबर बाप को तो मिलनी चाहिए शोभा बहन, लेकिन मैं नहीं चाहती ये खुशखबरी उस घर में दी जाए। बाबूलाल को नहीं जाना चाहिए था। खैर, हंसा जरा मिलने के लिए दूर कर ले आना, अभी लाती हूँ। रंजना बहन बच्चे को देखकर बहुत खुश होंगी। बेकार की बात मत करो, मैं कहती हूँ जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, मुझे किसी से नहीं मिलना। शोभा बहन, दरवाजा खोलो, मुझे आज से बहुत कुछ कहना है। शोभा बहन, दरवाजा तो खोलो। शोभा, दरवाजा खोलो बहन। देखो बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, तुम्हारा सारा बहन दूर हो जाएगा। खोलो दरवाजा बहन। शोभा, तुमने अपना घर छोड़ा जो एक हिंदुस्तानी औरत के लिए मुमकिन नहीं। तुम बोलती क्यों नहीं? मैं तुम दोनों में से किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहती। अच्छा तो सुन लो, आज से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए न मेरे दिल में जगह है न मेरे घर में। मुझे इसकी परवाह नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या कोई भी जगह नहीं? चलो बेटा, आज के पास जितनी देर ज्यादा ठहरेंगे उतना ही ज्यादा जलना पड़ेगा। मैंने हंसा को इसी मकान में जाते हुए देखा है, वो इस वक्त नहीं होनी चाहिए। मैं इस मकान को याद लगा दूंगा। ठीक है। चलो
दुनिया से जी उचाट हो गया है बेटा। तुम्हें पति सेवा का सौभाग्य तो न मिला, अब देव सेवा करने की तैयारी करो। कल ही हम लोग वृंदावन के लिए रवाना हो जाएंगे, सारा जीवन वहीं बिता लेंगे। लेकिन पिताजी घर, तुम इससे घर कैसी हो? जिस घर से स्त्री रूठ कर चली जाए, यहां सबके दिल टूटे हुए हों, जहां पत्नी को पति पर विश्वास न हो और बहन बहन की दुश्मन हो, मैं ऐसे घर को घर नहीं समझता। पिताजी, जिस तरह एक अंधे की आंखें भी आंखें ही कहलाती है, उसी तरह ये कैसा भी है हमारा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वृंदावन के लिए भी नहीं? जी नहीं, स्त्री के लिए अपना घर ही वृंदावन है। हेलो हेलो हेलो, कौन जस साहब, मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ जी। आप मेरी बात तो सुनिए, शोभा बहन के घर में आग लग गई है। क्या कहा, आग लग गई? बाबा और शोभा बहन दोनों आग में फंसे हैं, आप फौरन तशरीफ लाइए। अच्छा अच्छा, रंजना रंजना। जिंदगी ने किसी आराम की आशा दी, शायद वो पूरी हो जाए। मुन्ना कैसा है? अच्छा है, सो रहा है। पिताजी, मुझे शोभा का ख्याल सता रहा है, न जाने वो कैसी होगी। थैंक यू सिस्टर, दैट्स ऑल राइट। मेरी ये हालत हो जाने से इस घर की किस्मत क्या घुटी है शोभा, जो तुम्हारे कदम दोबारा इस घर में आए। अब ये कदम जीते जी इस घर से बाहर नहीं जाएंगे दीदी। बाबू लालू मेरा सारा गम दूर कर दिया दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मुझसे माफी मांगने के बजाय अपने पति देव से माफी मांगो शोभा। पिताजी, पिताजी, क्या बात है? शोभा आ गई है पिताजी। शोभा आ गई है? कितने दिनों के लिए? शोभा
रंजना, बेटी रंजना। अब हमेशा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मगर माफ कर देने वाला दिल तो तुम तोड़ चुकी हो, अब माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं। औरत ना समझ होने के कारण बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ती है, मगर समझदार मर्द उसे बर्बाद होने से बचा लेता है। मैंने बहुत बड़ी ठोकर खाई है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे देखती क्या है बेदखा, दिखने में मारी है फुटबॉल के बाबक जाएगी लौटती हुई। नहीं दसा बंदा लगा नहीं सरकार। सरकार क्या बात है बाबूलाल? माफ कीजिए सरकार, आज मैं बगैर इजाजत चलाया। बात असल ये है कि ये लड़की कहती है कि मैं बाबूलाल चूड़ी वाले की घरवाली हूँ, यानी कि मेरी है, और कहती है कि ये औरत इसकी असली माँ नहीं है बल्कि कोई ऐसी उठाऊगी फालतू औरत है, इसलिए जजमेंट आप पर छोड़ा है। सच सच बता ये किसकी लड़की है वरना पछताएगी। जल्दी बता वरना साहब को अगर गुस्सा आएगा बहुत गर्म हो जाएगी। सरकार ये लड़की कोई दूसरी नहीं है, ये लड़की आपकी बेटी है हंसा। हंसा? हंसा मेरी बेटी है। आप मेरे पिताजी हैं। हाँ मैं ही तेरा बाप हूँ। मैं तो ये समझता था बेटी कि मैं इस दुनिया में अपना घर बार और दौलत लुटाने के लिए ही पैदा हुआ, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मेरी खोई हुई दौलत मुझे फिर से मिल गई। बाबूलाल अभी आया, खबरदार है जो अगर यहाँ से ही लिए तो। मैं तुम्हें कड़ी सजा देना चाहता हूँ, हाथ कड़ी पहनने के लिए हाथ बढ़ाओ। मगर हुजूर मेरा कसूर? कसूर? एक कसूर हो तो बताओ। हमारा सबसे बड़ा कसूर तो ये है, तुमने मेरी मासूम बच्ची को इस मक्कार औरत के फंदे से बचाया। तो हुजूर ये तो इनाम के लायक काम हुआ ना, सदा के लायक नहीं। आप अपना जजमेंट हाथ बढ़ाओ। ओह नहीं हुजूर, मैं इस लायक नहीं। इनके लिए तो कोई दौलत वाला, बड़ी शान वाला, बड़े रुतबे वाला होना चाहिए। मैं बड़े रुतबे वाले से ज्यादा बड़ी कैरेक्टर वाले को पसंद करता हूँ। लो आज से तुम्हें इसके निगेबान। आपका हुक्म आंखों पर, इस मोटी के लिए क्या हुक्म है? इसे तुम पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। अभी पहुंचाता हूं। मैं इसका इंतजाम करता हूं। चल मोटी। दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। रंजना, रंजना। वाह, तूने घर की लाज रखने के लिए सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं लुटा दी बल्कि आज अपने प्राण का भी बलिदान कर दिया। भगवान ये तेरा कैसा न्याय, बहू लेकर बेटी दे दी, लेकिन तू ऐसा न करता तो तुझे भगवान ही कौन समझता। आया बा तूफान बिखर के रह गया तिनका तिनका, लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदला है किस दिन का, ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे अपना।